girls with their nails done now. Stop you! No, that's not gonna be happening. You are the ultimate power. Take your call. Be brave. Trust on your skills. And get the victory. Take the revenge. We'll be right back.
So what you're waiting for? Let's start the revenge. Get ready for the revenge. Do you think they're gonna stop you? No, that's not gonna be happening. You are the ultimate power. Take your call. Be brave. Trust on your skills. And get the victory. Take the revenge. What you're waiting for? Let's start the revenge. Get ready for the revenge. Do you think they're gonna stop you? No, that's not gonna be happening. You are the ultimate power. Take your call. Be brave. Trust on your skills. And get the victory. Take the revenge.
you're waiting for. Let's start the revenge. Hello there guys, what's up? In the final day of the grand finale of Revenge League. So, कैसे हैं आप सभी लोग? दर्शकों, आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया अभी तक जिन लोगों ने ज्वाइन कर चुके हो स्ट्रीम, जिन लोगों ने लाइक किया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो लोग यहाँ पर खेल रहे हो, हर एक प्लेयर को तहे दिल से शुक्रिया. एंड सभी प्लेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुका है. वी आर हैविंग शार्प 1 मिनट फ्रॉम नाउ. बट आज गाइज मुझे चैट में कोई भी प्लेयर का नाम या फिर कोई भी टीम का नाम स्पैम होता दिखाई नहीं दे रहा है. सो प्लीज गाइज डू स्टार्ट स्पैमिंग योर फेवरेट टीम नेम. और एक और बात गाइज, मैं फिर से बोलूंगा कि रजिस्टर्ड प्लेयर के अलावा मैं किसी भी टीम को ज्वाइन करने देने को नहीं किसी प्लेयर को. आई होप सो कि प्लेयर्स अगर ऑन टाइम ज्वाइन हो जाए वरना दिक्कत हो सकता है. वी आर हैविंग शार्प 1 मिनट फ्रॉम नाउ. ओके, मैच स्टार्ट होने का समय हो चुका है. सो दिल पे हाथ रख के बैठ जाइए. लेट मी एट द स्क्रीन ओवर हियर गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड. लेट मी एट द स्क्रीन ओवर हियर. ओके, टाइम अब हो चुका है. प्लेयर्स यहाँ पर बिल्कुल तैयार बैठे पड़े हैं जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करने के लिए. एंड आई होप सो कि अगर आप भी अभी तक अपने फेवरेट टीम का नाम चैट में स्पैम नहीं किए हो तो डू
स्पैम योर फेवरेट टीम नेम इन द चैट सेक्शन, और जितना चैट भागेगा उतना ही मेरे में एनर्जी आएगा, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। सो गुड लक टू ऑल द सिंगल टीम्स टू आरा एंड वंस अगेन व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। सो आई एम गोना एट द स्क्रीन इन द काउंटर ऑफ 3, 2, 1, लेट्स गो गाइस। We are back right now and as I can see we are having 52 players in the lobby. कुछ टीम्स ऐसा है जो यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, उनमें से एक है टीम गेम चेंजर्स जिन्होंने हाल छोड़ दिया। ये गाइस बहुत ही मतलब दुखद मामला है कि आप जो मतलब खेलने से डरते हो और कतरा के आप लोग एग्जिट कर देते हो। सो दैट इज रियली वेरी मच पैथेटिक। तो ये बात यहाँ पर मुझे गेम चेंजर्स द्वारा दिखाई दे रहा है, बाकी सभी प्लेयर्स अब आ चुके हैं। सो वी आर जस्ट गोना स्टार्ट द मैच राइट नाउ विद इन 1 मिनट। तब तक के लिए आज है गाइस लास्ट डे, द फर्स्ट मैच विल बी इन द मैप ऑफ विकेंडी, सेकंड मैच विल बी इन द मैप ऑफ एरेगल एंड द थर्ड मैच विल बी इन द मैप ऑफ मीरामार। तो चलिए गाइस एक बार प्लेयर्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैं। बात करें अब टीम्स का, तो टीम्स व्हिच आर गोना टेक फाइट फॉर द लास्ट टाइम गाइस इन द मैप ऑफ विकेंडी, द टीम्स आर टीम ऑक्सी, टीम आरएक्सपी, टीम सटानिक सेंस, टीम फोर वाइल्ड ऑफिशियल्स, टीम अकात्सुकी, टीम एक्सपर्ट ईस्पोर्ट्स, टीम फाल्कन ईस्पोर्ट्स, टीम गेम चेंजर्स, टीम ओजी एलिक्सर, टीम प्लेक्स ईस्पोर्ट्स, टीम वाइटलिटी ईस्पोर्ट्स, टीम न्यूब ईस्पोर्ट्स, टीम T2 Esports, Team Waymakers, Team Zero Point, Team PenX Esports and Team GSW. So these all are the teams guys जो लोग finally आप लोगों के सामने बताने वाले हैं within a couple of minutes. तो चलिए guys match start कर देते हैं। So let me show you the teams once again guys, मैं एक बार आप लोगों को स्लॉट जरूर एक बार दिखा चाहूंगा, उसके बाद हम लोग मैच स्टार्ट कर देंगे। जो प्लेयर एक बार ज्वाइन नहीं हो पाया उनके लिए मुझे खेद जरूर रहेगा, बट इन द काउंटर ऑफ 3, 2, 1, ओके ओके, एक और प्लेयर कहीं पर आया, शायद यहाँ पर ज्वाइन कर चुका है क्या, ओके ही जस्ट ज्वाइन गाइस, 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन एंड ऑब्वियसली प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोगों ने मैच स्टार्ट कर दिया। कुछ टीम्स यहाँ पर अभी तक मुझे ज्वाइन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ टीम का यहाँ पर सभी प्लेयर ज्वाइन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक दुख तो जरूर पर मुझे रहने वाला है, बट आई होप सो कि प्लेयर्स अगर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें देन इट विल बी अ क्वाइट गुड थिंग फॉर देम। बट अपने टीम के अलावा किसी भी और टीम में आप लोग कृपया करके ज्वाइन ना होना, और रजिस्टर्ड प्लेयर के अलावा मैं किसी को भी यहाँ पर ज्वाइन करने दूंगा नहीं। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट गाइस एंड फॉर द लास्ट टाइम गाइस टीम, सॉरी आई एम रियली सॉरी, सो दिस इज ऑल द टीम्स गाइस व्हिच आर टेक फाइट इन द मैप ऑफ विकेंडी। तो दिल ताम के तैयार हो जाइए बिकॉज इट्स द ग्रैंड फिनाले एंड द फर्स्ट मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। टीम ऑक्सी के साथ यहाँ पर खेलने वाले टीम आरएक्सपी, टीम सटानिक सेंस, टीम वाइल्ड ईस्पोर्ट्स, टीम अकात्सुकी, टीम एक्सपर्ट ईस्पोर्ट्स, फाल्कन ईस्पोर्ट्स, गेम चेंजर्स, टीम ओजी एलिक्सर, टीम प्लेक्स ईस्पोर्ट्स, टीम वाइटलिटी ईस्पोर्ट्स, टीम न्यूब ईस्पोर्ट्स, उनके साथ है टीम T2 ईस्पोर्ट्स, वेमेकर्स, टीम जीरो पॉइंट, पेनएक्स ईस्पोर्ट्स एंड टीम GSW। सो गुड लक टू ऑल द सिंगल टीम्स जो आ रहा है, लेट्स गो चेक इट आउट, प्लेयर्स को जरा देख लेते हैं यहां पर। ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि विकेंडी का हर एक मैच यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबला तोड़ होता है, एंड ऑब्वियसली इसी 56 प्लेयर्स के साथ आज हम वही चीज यहाँ पर विटनेस करने वाले हैं। देखते हैं पर प्लेयर्स किस तरीके से अपना गेम प्ले का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं और कौन सा टीम है जो इनिशियली एक बेहतरीन गेम प्ले के साथ यहाँ पर अपने खाते में चिकन डिनर लेकर जाता है। सो लेट्स गो चेक इट आउट दैट फ्रॉम द फाइव पथ इज गोइंग टू and let me add the screen once again guys, and as for my vision the flight path is just like cutting the map from the middle, exactly from the middle, starting from the eastern coastline of the cement factory ending up till Dobromasto, and the majority of the hot rub areas which I've been crossing those are castle bit middle of villa, uske baad ye bhai goloka ke upar se bas jata hua khatam ho raha hai Dobromasto ke taraf। But guys aaj main bolna chahunga aap logo ke stream mein thoda sa engagement kam ho raha hai, to dabba ke jitna bhi whatsapp groups hai wahan par stream ka link ka share ho jana चाहिए, छोड़ना मत आज गाइस उंगलियों को, अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करते रहो, लेट देम विन, लेट देम टेक द फैन फेवरेट अवार्ड, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, दिस इज द लास्ट टाइम ऑल दिस टीम्स आर गोना टेक फाइट अमंग देमसेल्व्स इन द मैप ऑफ विकेंडी, और माहौल कुछ ही देर में बहुत ही ज्यादा गर्म होने वाला है, तो दिल पे हाथ रख के बैठ जाइए बिकॉज आज मैं रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, जो होगा देखा जाएगा। यहां पर आज तो है गाइस तबला तोड़ के हारमोनियम बजा देने वाला एक्शन, ऑब्वियसली इनिशियली यहां पर कुछ टीम्स द्वारा फाइट जरूर लिया जाएगा बिकॉज उनका ड्रॉप क्लैश होने वाला है। जैक स्पैरो को यहां पर थोड़ा बहुत डैमेज खत्म हुआ मुझे नजर आ रहा है, बट वाइल्ड ऑफिशियल्स क्या कमाल करने वाले हैं वो यहां पर देखना पड़ेगा। चलिए गाइस जोन का इंतजाम हम लोग नहीं करेंगे, चलिए फाइट देख लेते हैं।
ऑलरेडी अगर मैं बात करूं टीम ना ना जीएसडब्ल्यू ने यहां पर इनिशियल फाइट पर ले लिया, टीम वर्ल्ड ऑफिशियल्स के दो प्लेयर को यहां पर बिल्कुल नाश्ता पर कर दिया गया। ओके यहां पर सैवियर के पास पर गन नहीं है और यहां पर पेन मारा जा रहा है, यहां पर क्या लूफी पेन मारेंगे। ओके ओके तलवारबाजी पर किया जा रहा है दोनों के ऊपर, बट यहां पर एक बेहतरीन तलवारबाजी के साथ 1v3 बाई नाना देन जीएसडब्ल्यू लूफी एंड टीम वर्ल्ड ऑफिशियल विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम एट द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ द इवनिंग। और इसके साथ यहां पर चार किल्स मिल चुका है टीम जीएसडब्ल्यू को, बहुत ही बेहतरीन क्या है, क्या जा सकते हैं यहाँ पर। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टीम नन अदर देन कैंडी T2 स्पोर्ट्स के साथ भी फाइनल लगा है, देखना पड़ेगा क्या किया जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर लोगन को नॉकआउट कर दिया गया। ओके फैल्कन स्पोर्ट्स जस्ट सेकंड फाइट राइट नाउ, टेंशन सबने आते हुए नजर आया, डैमेज दिया जा रहा है, जरूर डेंजर पर छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, घर के अंदर मारने का बेहतर किया जा रहा है, डेंजर द्वारा एक बेहतरीन टीबीएस का इस्तेमाल और इसके साथ कैंडी को नॉक ब्रिज पर कर दिया जाएगा। हॉट पॉइंट इज द लास्ट स्टैंडिंग राइट नाउ और ऑब्वियसली प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा प्रेशर यहाँ पर बनने वाला है, क्या करेंगे यहाँ पर। बट फिर अगले प्रेशर के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टीम्स भी बहुत ही ज्यादा उत्सुकता के साथ गेम प्ले का प्रदर्शन कर रहे हैं। T2 स्पोर्ट्स का दो कोई भी खेल अभी तक नहीं हुआ, बट इवेंचुअली यहाँ पर दो प्लेयर्स को उन्होंने खो दिया, क्या ही किया जा सकता है। और एक और बात अगर मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि कोई भी टीम अगर ऐसा करता है कि किसी और के स्लॉट में जाके बैठ जाता है, देन ऑब्वियसली उस टीम को उस टीम का पूरा जो पॉइंट है इस मैच का वो मैं जीरो कर दूंगा। ये बात याद रखना, कोई भी ज्यादा सियाना बनने का प्रयास ना करे अगर किसी का गेम खराब करने का, अगर आपको इतना इच्छा है मैं पूरा कपड़ा जीरो कर दूंगा। जस्टिफिकेशन यहाँ पर देना पड़ेगा बिकॉज जितना मैंने चैट पढ़ा है उसके हिसाब से मैं मैच के बाद जस्टिफिकेशन जरूर मांग सकता हूँ। और तब अगर कोई भी चूचा किसी ने भी किया ऑब्वियसली पूरा का पूरा मैच का पॉइंट जो है वो उस टीम का जीरो कर दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर टीम नर अदर T2 स्पोर्ट्स का, अभी तक उनका 4 हॉट बॉयज द लास्ट स्टैंडिंग राइट नाउ और डेंजर उनके सामने DBS लेके आते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर डेंजर का 2 किले पर निकल चुका है, क्या एक बेहतरीन 1v3 पर हम लोगों को डेंजर द्वारा देखने को मिलेगा। डेंजर कुछ ज्यादा ही पम्प्ड अप होता हुआ नजर आएगा, नील यहां पर डैमेज खाते हुए अभी तक हेल्थ पर डिस्टर्ब नहीं किए, काउंटर फायर करने के लिए उनके सामने आ चुका है नाना आदर मेगाट्रॉन जो गोलाबारी कर रहे हैं यहां पर ऊपर, जहां पर हॉट बॉय होल्ड करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को डैमेज देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है मेगाट्रॉन, बट फिलहाल के लिए यहां पर ज्यूस भी नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे। टीम नन अदर अकात्सुकी भी डैमेज पर खा रहा है और ऑब्वियसली पर पेन काजल द्वारा ज्यूस का भी सिक्योर पर कर दिया गया। प्रेशर बहुत ही ज्यादा बन रहा है यहां पर, बहुत ही ज्यादा बन रहा है बट फिलहाल के लिए यहाँ पर टीम नन बार अकात्सुकी आगे जरूर बढ़ेंगे। वेयर इज इताची, बट इताची यहाँ पर ऑटोमेटिकली गेम के बाहर यहाँ पर जा चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली यहाँ पर नगाटो आगे बढ़ेंगे, जान का बदला जान से जरूर लिया जाएगा। ओके ओ माय गॉड फ्री फायर क्या चल रहा है, स्काई को बस स्काई उनके बिल्कुल सामने आगे खड़ा हो चुका है, बायसन हाथ में बट पीक पास बिल्कुल नहीं करेंगे। नगाटो को स्पॉट ऑफ किया गया, सॉरी नगाटो को स्पॉट ऑफ किया गया, डैमेज दिया गया, लेजर बॉय भी बहुत ही ज्यादा डैमेज खाते हुए नजर आएंगे। नगाटो आगे बढ़ेंगे, सामने से पर थोड़े बस किस तरह किया जा रहा है, बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नगाटो क्या संभालेंगे, प्लेयर घर के अंदर घुस चुके ऑलरेडी और यहाँ पर पेन के नेट से ब्लाइंड फटता हुआ बहुत ही बुरा लगा मुझे पर यंग बॉय के लिए, बट इसके साथ लेजर बॉय का किल भी सिकर हो चुका है। ओके नगाटो हेल्थ बट स्टोर करेंगे जरूर, बड़े हॉट बॉय द्वारा मेगाट्रॉन को नॉक ऑफ किया गया, बट नो का फ्री फायर से यहाँ पर हॉट बॉय खत्म होता हुआ, इसके साथ यहाँ पर टीम डन अदर देन T2 इज पॉसिबल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम इन #15 एंड #14 पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा टीम डन पर अकात्सुकी को। प्रेशर पर बहुत ही ज्यादा हो चुका है, कोई भी टीम किसी को छोड़ के बात कर नहीं रहा है यहाँ पर। चलते एक बार जरा जोन देख लेते हैं कि जोन यहाँ पर हम लोगों को क्या दर्शाने वाला है। जोन का अगर मैं बात करूं, जोन शिफ्ट हो चुका है बिल्कुल उत्तरी दिशा में, मतलब पोर्ट और उसके साथ साथ जवाबा को सेंट्रलाइज करते हुए आपको कॉस्मोड्रोम, कोल माइन, माउंट क्रिंच, पोर्ट वोस्को का यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट एरिया, उसके साथ साथ विला एंड गोरोका जोन के अंदर नजर आएगा, उसके साथ साथ टिचार्ज भी जोन के अंदर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 50% टीम जोन के अंदर है, 50% टीम जोन के बाहर है। प्रेशर यहाँ पर सभी टीम्स द्वारा बराबरी से सर मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, मतलब वर्ड में आ नहीं रहा है मेरा, बट स्टिल आई विल ट्राई। प्रेशर सभी टीम्स द्वारा बराबरी से फील किया जा रहा है, बट हाँ एक बात होता है कि जो टीम यहाँ पर ऑलरेडी सेंटर में जाके होल्ड कर रहा है अभी तक के लिए उनको थोड़ा सा राहत मिलेगा जरूर, बट जिस तरीके से इनिशियल पॉइंट लेना वाला दैट वॉज रियली पैथेटिक, बट क्या किया जाएगा यहाँ पर देखना पड़ेगा। एंड गाइस जो भी देख रहे हो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम एंड इफ यू आर न्यू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए गाइस फिर से टीम को देख लेते हैं। बात अगर करिए टीम का, मैं सबसे पहले अब देखना चाहूंगा टीम नर अदर देन सटानिक सेंस को, विच इज इन अ टॉप राइट नाउ इन लाइक एज पर द पॉइंट टेबल, नहीं बल्कि यहाँ पर स्लॉट लिस्ट के हिसाब से, और यहाँ पर जो एलिमिनेशन का जो ये है वो मैं हटाना चाहूंगा। ओके सटानिक सेंस इज हैविंग नो किल्स राइट नाउ, इब्रा के साथ आपको यहाँ पर इहान, आदिल एंड कैप्टन खेलते हुए नजर आएंगे। चौथे नेक्स्ट टीम की तरफ दैट इज टीम एक्सपर्ट इस्पोर्ट्स, एक्सपर्ट इस्पोर्ट्स का यहाँ पर ग्लैसी के साथ आपको यहाँ पर फ्लेक्सी, बीस्ट एंड घोस्ट खेलते हुए नजर आएंगे, जो फिलहाल के लिए यहाँ पर होल्ड बैक जरूर रेफर कर रहे हैं, फाइट अभी तक लिया नहीं गया। चौथे टीम
फैकल्टी स्पर्स की तरफ जिन्होंने इनिशियली एक बेहतरीन थ्री किल्स अपने खाते में हासिल किया। टी टू स्पर्स को यहाँ पर धराशायी करते हुए डेंजर द्वारा दो किल्स अपने खाते में लिया गया एंड नील की तरफ से अभी भी कोई भी कंट्रीब्यूशन इसे नजर नहीं आएगा। फिलहाल के लिए पूरा का पूरा टीम सेफ है और ऑब्वियसली धूम मचाया जा रहा है। बट नेक्स्ट टीम की तरफ दैट इज टीम एलेक्जरोजी का भी अभी तक यहाँ पर कोई भी किल हुआ नहीं है। आयुष रोबी के साथ यहाँ पर ओके वाइट स्पर्स का फायदा लगने वाला है। फ्लेबल्स यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं पर कैसे संभाल पाएंगे। ऑब्वियसली बताऊं तो फिर से आपने सामने आ चुका है शेल्वी द्वारा यहाँ पर डीवीएस होल्ड किया जा रहा है। यहाँ पर प्लेयर के बिल्कुल सामने है शेल्वी, यहाँ पर देखा बट यहाँ पर उन्होंने पोजीशन चेंज करने में ज्यादा रिफ्लेक्स दिखाया। नाइन नॉक करते हुए रशद द्वारा यहाँ पर रेक्स को कर दिया गया नॉक और फिनिश भी जरूर किया जाएगा विद नो सच क्वेश्चंस। आगे बढ़ा जा रहा है क्रूज के पास पर एंगल है, वो मारने का प्रयास कर रहे हैं बट वो अभी तक मार क्यों नहीं रहे मुझे पर नहीं पता। फ्री फायर उनको करना चाहिए, यहाँ पर फ्री फायर उनको करना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर यहाँ से ही एक्चुअली क्रूज को मारना चाहिए था बट क्रूज ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिले कर दिया और ऑब्वियसली दूर से आदित्य द्वारा फ्री फायर दिया गया नूबक को नॉक करने का प्रयास बिल्कुल सही तरीके से बट फ्री फायर तो गया बट ज्यादा तक पीक करके उन्हें गड़बड़ कर दिया और इसके साथ क्रूज द्वारा एक बेहतरीन ओपनिंग नॉक और ऑब्वियसली यहाँ पर आदित्य जहाँ पर नॉक वो है वहां पर बात करना लॉजिकली पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्या किया जाएगा यहाँ पर इलेक्शन द्वारा देखना पड़ेगा। अभी तक कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ बट सामने से अगर मैं देखूं तो सेलेरॉन यहाँ पर ऑफलाइन हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली सेलेरॉन यहाँ पर ऑफलाइन है और यहाँ पर उनके टीममेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन रहा है। देखना पड़ेगा कि यहाँ पर शेल्बी क्या कमाल करेंगे अकेले। फिलहाल के लिए यहाँ पर आदित्य को रिवाइव करना लॉजिकली पॉसिबल बिल्कुल नहीं है बट यहाँ पर शेल्बी डीबीएस लेके एक बेहतरीन 1v4 क्लच के लिए तैयार हो चुके हैं। थोड़ा बिल्स अगर प्रॉपरली टॉस ऑफ किया जाता है तो यहाँ पर भी नॉक फिनिश भी हो सकता है। देखते हैं पर क्या क्या जाएगा। सो कम ऑन गाइस इफ यू आर वाचिंग और अगर आपका फेवरेट टीम खेल रहा है डोंट फॉरगेट टू स्पैम द नेम इन द लाइव चैट। यू आर वाचिंग द लास्ट डे ऑफ द ग्रैंड फिनाले ऑफ द रिवेंज लीग जहां पर तबला टूटता है तो हारमोनियम बजता ही बजता है एंड ऑब्वियसली शेल्बी अभी तक कुछ कर नहीं रहा है। पोजीशन यहां पर बहुत ही ज्यादा संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। प्रीवर किया जा रहा है एलिशा द्वारा बट उनको प्रॉपरली एंगल नहीं मिल रहा है। डीवीएस का जवाब डीवीएस से जरूर दिया जाएगा। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है शेल्बी को बट सेलेरॉन अभी भी ऑफलाइन है और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पूरा का पूरा टीम एलेक्जरोजी आगे बढ़ा है। यहाँ पर शेल्बी एडीएस लेते हुए नजर आएंगे। उनके पास ट्रेबल के नाम पे कुछ भी नहीं है, स्मोक नहीं, नेड नहीं, मॉली नहीं, कुछ भी नहीं बट शेल्बी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक डीवीएस है और अगर क्लच करना है तो डीवीएस से ही करना पड़ेगा बिकॉज बैडल पे एक सिंगल गोली तक नहीं है। यहाँ पर तेरा गैप बच गया और यहाँ पर डीवीएस के सवाल किया जाएगा बेहतरीन कोशिश बट यहाँ पर शेल्बी एक भी गोली का कनेक्शन नहीं बना पाए एंड इसके साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट टीम वाइट स्पर्स खत्म होने की तदार में आ चुका है। बट यहाँ पर नेक्स्ट टीम की तरफ जिनको हम लोग देख रहे थे टीम ऑक्सी अभी तक किसी के साथ कोई भी फाइट यहाँ पर हुआ नहीं है। होल्ड ऑन जरूर किया जा रहा है बट गाइस जो भी देख रहे हो आज टीम में आई डोंट नो दैट व्हाई एंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके इस टीम को शेयर करें बिकॉज दिस इज द लास्ट डे। कल से आप लोग को ये आग देखने को नहीं मिलेगा। जो जल रहा है आग वो आज ही जलेगा आखिरी तक एंड आपके पास आज तक का ही मौका है अपने फेवरेट टीम को जितवाने का। फ्रेंड लिस्ट में जितना भी दोस्त है सबके पास टीम का लिंक शेयर हो जाना चाहिए और सबको बोलिए चैट में आके यहाँ पर अपने फेवरेट टीम का नाम स्पैम करें ताकि अब उनको फैन फेवरेट अवार्ड जरूर मिले। ऑक्सी के साथ यहाँ पर आपको अभी तक कोई भी फाइट होता हुआ ना दिखाई देगा। गत्सुगा ऑफलाइन पर हो चुके हैं। लॉर्ड के साथ आपको यहाँ पर अनिर्बान गत्सुगा एंड रॉक खेलते हुए नजर आएंगे। बट दैट इज टीम की तरफ दैट इज टीम न्यू स्पोर्ट्स जिनका यहाँ पर दो प्लेयर अभी तक खेलते हुए आप लोगों को नजर आएगा। बड़े बाबू के साथ यहाँ पर राकेश खेल रहा है, बाकी प्लेयर्स अब जॉइन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए और फाइट अभी तक लिया नहीं जाएगा। बात करें पर वे मेकर्स का उनका टीम के भी मैं अभी तक अगर मैं देखूं तो लियो के साथ यहाँ पर राहुल क्रूज नॉट ओबी एंड एथिस्ट ये क्यों यहां पर खेल रहा है। ये प्लेयर तो एक्सपर्ट स्पोर्ट्स का है। एक्सपर्ट स्पोर्ट्स आपको इस मैच के बाद मुझे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा दैट व्हाई एथिस्ट इज प्लेइंग इन वेमेकर्स टीम। ठीक है, अगर आपके टीम पे चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पर है तो यहाँ पर एथिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। मैच के बाद यहाँ पर आपको प्रॉपरली जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा वो भी लॉबी में आके। ठीक है, आईडी पासवर्ड आप लोगों को टाइमली शेयर किया जाएगा, उसमें दिक्कत का बात नहीं है बट आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और हाँ, एथिस्ट को मैं आगे से किसी भी मैच में अलाउ नहीं करूंगा आपकी टीम के तरफ। ओके, चाहे आपका टीम वहां पर एक्सपर्ट स्पोर्ट्स थ्री मैन खेले, टू मैन खेले कि वन मैन खेले, आई डोंट केयर, बट एथिस्ट को मैं अगली बार से लॉबी में दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, ये प्लेयर इस ये टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले का कोई भी और मैच खेल नहीं पाएगा बिकॉज ही इज प्लेइंग इन अनदर टीम। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप आपके पास अगर चार मतलब इतना दिन हो गया ग्रैंड फाइनल खेल रहे हो अभी भी ये बचपन आप लोगों का गया क्यों नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, ये सब मतलब निम्बल लोगों का काम है और आप कृपया करके ये सब ना किया करें। अगर आपको दिख भी रहा है कि आपका प्लेयर यहाँ पर खेल नहीं रहा है तो आपको वहाँ पर मतलब एग्जिट मार देना चाहिए था। लाइक किस हिसाब से आप यहाँ पर खेल रहे हो दूसरा टीम पे मुझे यहाँ पर नहीं पता बट हाँ जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। एक्सपर्ट स्पोर्ट्स घोस्ट बेस्ट और जो भी खेल रहे हो फ्लेक्सी
ओके मैच के बाद लॉग में जरूर आना। ओके चलते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ, दैट इज टीम नॉट बट 0 पॉइंट। अभी तक जीरो पॉइंट का कोई भी किल हुआ नहीं है। स्टिल गाइस दे आर होल्डिंग देयर पोजीशन और उनके सामने मुझे यहां पर टीम एक्स पर डिस्पोज नजर आ रहा है। फ्रिंजी वाईटी आगे जरूर बढ़ेंगे और यहां पर उनके साथ खेलते हुए नजर आएंगे राज, यू नो, आरजे एंड अरिजीत, जो फिलहाल के लिए होल्ड होने पर कर रहे हैं। बट नेक्स्ट टीम की तरफ, दैट इज टीम पेन डिस्पोज, जिन्होंने इनिशियली 3 गेम्स अपने खाते में लिया। कातिल द्वारा बेहतरीन 1v3 बट देखने को मिला था एंड अभी तक के लिए वो लोग सेफ एंड साउंड जोन के अंदर होल्ड करते हुए नजर आएंगे। कातिल के साथ आपको यहां पर ब्लाइंड स्पॉट, स्काई एंड यंग बॉय खेलते हुए नजर आएंगे। बर्तन स्टीम की तरफ, दैट इज टीम जीएसडब्ल्यू, जिन्होंने भी यहां पर इनिशियली एक बहुत ही बढ़िया क्लच किया था। लूफी द्वारा एक बेहतरीन 1v3 हम लोग को देखने को मिला था और फिलहाल के लिए डॉक्टर गॉड के साथ यहां पर आपको लूफी ही खेलते हुए नजर आएंगे। 2 मैच स्कॉट खेला जा रहा है यहां पर। बर्तन स्टीम की तरफ, दैट इज टीम नंबर आरएक्सपी स्पोर्ट्स, आरएक्सपी का भी अभी तक किसी के साथ फाइट हुआ नहीं है। टेबल टॉप में जाके बैठे हुए आरएक्सपी एंड राइट नाउ जस्ट टेकिंग अ रोटेशन और उनके राइट साइड में मुझे एक और टीम नजर आ रहा है, दैट इज टीम फाल्कन स्पोर्ट्स। तो क्या यहां पर फाल्कन स्पोर्ट्स के साथ एक हल्का सा फाइट होने का गुंजाइश है? आई डोंट थिंक सो, बट हां कभी भी कुछ हो सकता। ये ग्रैंड फिनाले गाइस, जहां पर आपको तबला तोड़ हारमोनियम बजाने का मौका जरूर मिलेगा। फिलहाल के उनके टीम के भी आप में आपको जेनो, एमके, ऑरियन एंड जीलॉट खेलते हुए नजर आएंगे, बहुत ही शानदार। बट इन टीम की तरफ, दैट इज टीम नॉट बट प्लेक्स स्पोर्ट्स, जिनका यहां पर 2 प्लेयर्स अभी तक के लिए पर खेल रहा है। बट राइट नाउ प्लेयर के साथ यहां पर कोई भी फाइट हुआ नहीं है, ना ही हैशर के साथ। बट बाकी प्लेयर्स अगर आते तो मजा आता, बट फिलहाल के लिए आया नहीं है। और चैट में यहां पर शुमी और ईशी दोनों बहनें मिलके दबा के टीम फाल्कन स्पोर्ट्स को यहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इस काश अगर लाइक मेरा भी ऐसा कोई सपोर्टर होता तो मजा आ जाता, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे कोई सपोर्ट करता नहीं है, मतलब चैट में ये बात है, नहीं रियल लाइफ में। बट कोई दिक्कत का बात नहीं है गाइस, चलते यहाँ पर टीम्स का मोटिवेशन तो यहाँ पर एकदम गगन चुमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर टीम को इतना मोटिवेट किया जा रहा है, एक बार टीम को देखना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पर टीम फाल्कन स्पोर्ट्स क्या कमाल करने वाला है। 3 किल के साथ अभी तक विराजमान है, बट अभी तक फाइट लिया नहीं गया, होल्ड ऑन जरूर किया जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा मैप की तरफ स्टडी करने के लिए, मैप का अगर मैं बात करूं वो अभी तक यहां पर बिल्कुल उसी जोन पे है जहां पर हम लोगों ने पहली बार देखा था। तो ऑब्वियसली एक सेंट्रलाइज्ड मैं बोलूंगा कि मूव आउट करता हुआ नजर आएगा जोन, बट इसके बाद जोन का श्रिंक कहां पर होगा देखना पड़ेगा, बिकॉज सभी टीम्स जो है वो जोन का बिल्कुल मिडिल होल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, सिवाय यहां पर टीम ऑक्सी के जो अभी भी जोन से बहुत ही ज्यादा दूर है और एक लेट रोटेशन देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए टीम जीएसडब्ल्यू थोड़ा सा मुसीबत का सामना करने वाला है, जहां पर मैं नजर जरूर डाला चाहूंगा। चलिए जीएसडब्ल्यू को देख लेते हैं। बात कर यहाँ पर जीएसडब्ल्यू का, उनके साथ पेपर टीम 0 पॉइंट का फाइनल लगने वाला है। कार्ड यहाँ पर ठोक दिया गया, प्लेयर के बिल्कुल सामने पीपर किया गया, बहुत ही बढ़िया लाना पड़ा यहाँ पर लुक दरक बेहतरीन नॉक, प्लेयर से बात होना जाएगा, बढ़िया बात जिनका एक बेहतरीन बड़ी बार और बिना पाके झपकने से पहले ही टीम नॉन बट जीएसडब्ल्यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम इन हैशटैग 12 बाय टीम 0 पॉइंट। और ये फिनिश बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, ये फिनिश बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। वो चाहते तो यहाँ पर होल्ड ऑन कर सकते थे, बट जिस एग्जाम उनको फिनिश ऑफ किया गया दैट वॉज रियली पैथेटिक। और इसके साथ यहाँ पर 11 टीम और 40 प्लस अभी तक यहाँ पर मौजूद है। चलिए फिर से बता देते हैं सैटानिक सेंस को, होल्ड ऑन किया जा रहा है, कोई भी फाइट लेने का मुफ्त इलाज कोशिश यहाँ पर किया नहीं जाएगा। नूब इस बोल द्वारा फाइट बदल चुका है, बाबूराव ने यहाँ पर एक्स ओके आर एक्स पी के यहाँ पर ऑडियन ओजी को यहाँ पर नॉकआउट पेपर कर दिया। प्लेयर उनके बिल्कुल सामने आया, रिवाइवल करने के लिए चले गए, बट अगर बाबूराव पहले से एडीएस लेते तो शायद यहाँ पर उनको कुछ करने का मौका मिलता, बट अभी तो शायद मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला। प्लेयर रिवाइव हो जाएगा और स्लैमिन आ जाएगा जरूर। आरएक्सपी किस तरीके से अपना पोजीशन पर लेते हैं देखना पड़ेगा जरूर। जेनो बेहतरीन जहरीला टीपी भी लेते हुए नजर आएंगे और क्रॉस एयर बिल्कुल वहां पर ही है जहां से प्रीफायर आया था और उनके टीम मेट दैट इज ऑरियन को नॉक डाउन किया था। जीलॉट फ्रंट रूम में खेल रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं तो उनके टीक ऊपर ही मुझे एक और प्लेयर नजर आ रहा है, एक और टीम नजर आ रहा है, दैट इज टीम नॉन बट सैटानिक सेंस। और यहाँ पर सैटानिक सेंस को तो मैं देखने वाला हूँ, बट सडनली यहाँ पर टीम प्लेक्स स्पोर्ट्स को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा बाय टीम पेन एक्स स्पोर्ट्स इन #11। बहुत ही बढ़िया एंड कम ऑन गाइस, देखते हैं और भी कितना फाइट्स होने वाला है। बाबूराव को जो डैमेज पड़ा है उसका अभी तक भुगतान उन्होंने दिया नहीं है। तो कम ऑन गाइस, इफ यू आर वाचिंग राइट नाउ डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट योर फेवरेट टीम इन द लाइव चैट, यू आर वाचिंग द नॉन अदर देन द रिवेंज लीग ग्रैंड फिनाले, दिस इज द लास्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट। कम ऑन गाइस, द बाकी अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करो और चैट एकदम रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए, चैट रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहां पर बात करिए यहां पर एमके का, एमके होल्ड ऑन जरूर करेंगे, यहां पर फाइट लिया नहीं गया। होल्ड ऑन के साथ साथ यहां पर जिस तरीके से अपने प्लेयर को रिवाइव भी किया गया था वाज रियली अमेजिंग, बट फिलहाल के लिए यहां पर सैटानिक सेंस अभी स्लैमिंग करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आदिल को मैं जरूर देखना चाहूंगा, आदिल अभी तक एडीएस ले रहा है शैक के अंदर से और उनको अच्छे से पता है कि प्लेयर उनके बिल्कुल सामने है, बट यहां पर जबरदस्ती फाइट लेने का बिल्कुल भी दरकार नहीं है। बाबूराव गॉट स्पॉइल्ड, नॉकडाउन किया जाएगा,
लॉर्ड द्वारा, और जैसे नॉक किया गया तुरंत वो लोग गाड़ी लेके स्टैमिन कर सकते थे, बट उनको प्रॉपरली पता नहीं कि कितना प्लेयर्स है, एंड दैट्स व्हाई दे आर जस्ट होल्डिंग दिस पोजीशन। और यहाँ पर वो लोग होल्ड अभी भी बनाएंगे, स्काउटिंग किया जा रहा है जिलॉर्ड द्वारा भी। फाइट लेने का मतलब ये नहीं कि मतलब मार तो रश कर दिए, ऑब्वियसली जिलॉर्ड ऊपर चढ़ने का भी प्रयास बढ़कर है, स्पॉट अप किया जा चुका है। यहाँ पर फैल्कनिक को नो वे ही जस्ट वन एचपी लेफ्ट राइट आउट, समहाउ ही मैनेज्ड टू फॉल बैक, और इसके साथ नील फिर से नॉकआउट होने वाला था, ही जस्ट वन एचपी। और जल्द से जल्दी पर मेगाट्रॉन को गाड़ी भगाना पड़ेगा, और गाड़ी भगा के नील को उन्होंने बचा लिया। बट जहां पर वो जा रहा है वहां पर एक और टीम है, जल्द से जल्दी पर अपने आप को सेफ एंड साउंड डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। बट जहां पर डेंजर गाड़ी लेके रोका है उनके सामने दो टीम है, तो फाइट गाइस यहां पर फैल्कन स्पोर्ट्स के साथ भी जरूर होने वाला है। देखिए पर क्या क्या जाएगा, बात करके आरएसपी का वो लोग भी स्लैमिंग करके मूड में है, बट प्रॉपर एंगल ना मिलने के कारण वो मूव ऑन कर नहीं पा रहे यहां पर, और स्लैमिंग शायद पर कर भी दिया गया, नहीं डिस्टेंस अभी भी है और अभी तक स्लैमिंग पर हुआ नहीं है। देखते पर कब तक फाइट लिया जाता है। बात करें पर मेगाट्रॉन का टीम फैल्कन स्पोर्ट्स का, वो अभी यहां पर होल्ड ऑन करते हुए नजर आएंगे, बट प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। भैया हमें आपके लिए, अरे बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया बहना। ओके बात करें मेगाट्रॉन का, मेगाट्रॉन आगे बढ़ेंगे, नो आइडियाज देते हुए नजर आ रहे, उनके सामने से नूबिस पोस्ट भी अपने आइडियाज दे रहे हैं, स्पॉट अप किया जा चुका है पैथर पीपर के सारे, यहां पर मेगाट्रॉन को नॉकआउट किया जा चुका है। बड़ी बार मेगाट्रॉन का जीत डिजाइन कुछ ज्यादा ही जहरीला, चुम्मा चुमता हुआ नजर आएगा। राकेश टीम में कोरियर करेंगे, नूबिस पोस्ट के ऊपर बेहतरीन यहां पर स्टैमिना आने वाला है, थ्रोबल्स के सवाल पर क्या जा रहा है, और यहां पर नोवा का एक बेहतरीन नेट जो डैमेज दिलाएगा यहां पर राकेश को, एक और उड़ाने वाला है प्लेयर ऊपर में जाएगा और फटेगा जरूर रन बम, नहीं नेट पहले ही फट गया, बट ही नेट अभी फटा और नोवा का नेट फिर से बाबुड़ा को नॉक आउट करेगा। राकेश हेल्थ इशू करते हुए नजर आएंगे, मेगाटोन ऑलरेडी अंदर घुस चुके हैं, बट पीपल का जगह जरूर और कर में घुस गया, बट टीम फैल्कन स्पोर्ट्स एक और बेहतरीन स्कॉट वाइप के साथ दो किल अपने खाते में ले गया टीम, नॉन बट नूबी स्पोर्ट्स विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम इन हैशटैग 10 बाय टीम फैल्कन स्पोर्ट्स। फैल्कन स्पोर्ट्स यहां पर पागल हो चुका है, लेट्स गो कितना है और कहां पर है, होल्ड ऑन करेंगे फ्री फायर के तहत। यहाँ पर जीलॉट को एक अच्छा खासा डैमेज दिया गया, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर जीलॉट भी थोड़ा सा कपकपाता हुआ नजर आएगा। सामने से यहाँ पर डेंजर गाड़ी लेके फिर से तैयार हो चुका है, पूरा का पूरा टीम का जो मोटिवेशन है वो यहाँ पर फैल्कन के वापस आ चुका है। नोवा द्वारा एक बेहतरीन फ्री फायर डैमेज जरूर दिलाएगा यहाँ पर जीलॉट को, बट पीछे से सटानिक सेंस भी आ रहा है, यहाँ से टीम फैल्कन स्पोर्ट्स को जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा वरना गड़बड़ होने का चांसेस जरूर रह सकता है। बात करें सटानिक सेंस आदिल का, आदिल भी यहाँ पर होल्ड करते हुए नजर आएंगे, बट वो अपना पोजीशन अभी तक रिवील आउट नहीं कर रहे, यहां पर गाड़ी उनके पास में है, रोटेशन लिया जा सकता है, पर आगे बढ़ा जा रहा है यहां पर राइट भी, यहां पर एलिक्सर भी आ चुका है। ज्यादा तक अगर यहां पर फैल्कन स्पोर्ट्स यहां पर होल्ड करता है तो उनके ऊपर स्लैमिंग भी आ सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीम ही यहां पर है। बात करें टीम एक्सपर्ट स्पोर्ट्स का, वो फाइट से बहुत ही ज्यादा दूर है और उनको इनिशियली फाइट बिल्कुल नहीं लेना है, उनको लेना है चिकन डिनर के साथ किल्स का बौछार, और ऑब्वियसली होल्ड ऑन जरूर किया जाएगा उनके तरफ से भी। बात करें यहां पर वेमेकर्स का, जिनका यहां पर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा प्रेशर है उनके तरफ, देखते हैं वो एमेकर्स कब तक फाइटेबल ले सकते हैं। यहाँ पर राहुल के साथ आपको यहाँ पर क्रूज ऑटो भी खेलते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर लियो ऑफलाइन जा चुका है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एथिस भी ऑफलाइन जाते हुए नजर आएगा, पर मैं एथिस को जरूर देखना चाहूंगा। ओके ही गॉट ऑफलाइन राइट नाउ, बहुत ही बढ़िया, और इसके साथ साथ यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं जस्टिफिकेशन तो मांगूंगा फॉर श्योर, बट देखना पड़ेगा कि व्हाई ही जॉइंड इट इन द टीम, व्हाई ही जॉइंड, ठीक है ये देखना पड़ेगा मुझे। एक्सपर्ट स्पोर्ट्स यहाँ पर भी जस्टिफिकेशन, वेमेकर्स का एक प्लेयर ज्वाइन नहीं हो पाया, एक हाथ जरूर डाउन रहेगा, बट फिलहाल के लिए उनको किल्स के साथ एक बेहतरीन चिकन डिनर लेना पड़ेगा। सो कम ऑन गाइस इफ यू आर वाचिंग, और अगर आपका फेवरेट टीम यहां पर खेल रहा है, डोंट फॉरगेट टू स्पैम द नेम इन द लाइव चैट, एंड प्लीज गाइस आज लास्ट डे है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द स्ट्रीम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज गाइस, डोंट जस्ट फॉरगेट टू स्ट्रीम, फॉरगेट टू शेयर द स्ट्रीम गाइस, बिकॉज आज के बाद कल से आप लोगों को ये एनर्जी देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज कल से पूरा का पूरा लॉबी हो जाएगा फिर से ठंडा और लोग बीजीआईएस का क्वालिफायर्स खेलने में जुट जाएंगे। बट हाँ एक बात तो तय है कि यहाँ पर मैं बहुत जल्दी फिर से BGS क्वालिफायर्स के लिए भी स्ट्रीम होस्ट करने वाला हूँ, बट वो क्वालिफायर्स के रिजल्ट आने के बाद, बट अभी नहीं। बट देखते हैं यहाँ पर टीम ऑक्सी क्या इस बार चिकन डिनर लेके जा पाएंगे। फिलहाल के टेबल टॉप में आपको तीन टीम्स नजर आएगा, दैट इज टीम आरएक्सपी, उसके साथ साथ यहाँ पर है टीम एक्सपर्ट स्पोर्ट्स एंड टीम एंटी वे मेकर्स एग्जैक्टली, और इसके साथ साथ एलेक्जर ओजी द्वारा यहाँ पर क्रूज डॉट ओबी को नॉकडाउन कर दिया गया, नो वे लियो भी नॉकआउट हो चुका है, और यहाँ पर राहुल इज द लास्ट स्टैंडिंग, क्रूज को नॉक फिनिश कर दिया
आ गया और राहुल यहाँ पर गाड़ी लेके भाग रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से क्रूज और यहाँ पर अपने लियो को कहाँ पर ऑफरिश किया गया मुझे यहाँ पर नहीं पता बड़े पर राहुल जहाँ पर जा रहा है उनके नीचे यहाँ पर एक और टीम है और टीम वो मेगस के ऊपर बहुत ज्यादा किया जा चुका है यहाँ पर जिस टीम से उनको बचा था उसी टीम से यहाँ पर डैमेज कार है राहुल का बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स जल्द से जल्द उनको बचना पड़ेगा और इसके साथ यहाँ पर मेगाट्रॉन एक और बेहतरीन नॉक निकालने में कामयाब बहुत ही ज्यादा ओवर में आ चुके थे आरएक्सपी ऑफिशियल्स का प्लेयर और शायद ऑडियन को भी स्पॉट ऑफ कर लिया गया लेट्स गो बट जोन का स्ट्रिंग होने वाला है तो चलिए गाइस बस जोन देख लेते हैं जोन का अगर मैं बात करूं जोन गाइस स्ट्रिंग हो चुका है जा चुका है पूरा का पूरा वेस्टर्न एरियाज ऑफ कोल माइन की तरफ और ऑब्वियसली यहां पर मुझे जोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन टीम्स नजर आ रहा है अभी तक के लिए टीम फैल्कन इस आराम से जोन के अंदर बर्ड है आरएक्स भी जोन का अंदर होल्ड करते हुए नजर आएंगे स्टरानिक सेंस भी जोन के अंदर है उनके सामने से पेनिक्स इस बोज आ रहे हैं एक्सपर्ट इस बोज जोन के अंदर आ चुका है जीरो पॉइंट एंड ऑक्सी अभी भी जोन के बाहर है और यहां पर वेमेकर्स का अकेले प्लेयर राहुल जो जोन के अंदर अभी भी है और वो अकेले बचे हुए हैं देखते हैं कब तक फाइट लिया जाता है और इसके साथ जोन के बाहर एथलीट खत्म होते हुए नजर आएगा एंड देखते हैं कि क्या यहाँ पर टीम एलिशन ओजी के साथ फाइट हो सकता है बिकॉज टीम फैल्कन स्पोर्ट्स दोनों टीम्स के बीच में आके यहाँ पर रुक चुका है और उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है अगर उन्होंने रोटेशन अभी कभी नहीं लिया तो बिकॉज टाइम बहुत ही ज्यादा बीत चुका है और उनको बिल्कुल प्लेयर्स के बीच में से जोन के आगे जाना पड़ेगा अगर वो पहले से माउंट क्रिंच कर दिया अगर पकड़ लेते तो शायद वह मजा आता बट जिस तरीके से अब टीम जीरो पॉइंट रोटेशन दे रहा है दैट इज रियली अमेजिंग तो चलिए गाइस अब प्लेयर्स का रोटेशन देख लेते हैं बात करके यहाँ पर नॉट अदर देन पेन एक्सिस बोस अभी तक यहाँ पर 5 किल अपने खाते में लेते हुए आप लोगों को नजर आएंगे बट स्टिल गाइस विद नो कैजुअलिटी दे आर जस्ट होल्डिंग दिस पोजीशन और उनके ऊपर की तरफ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है टीम डन बट सरानी सेंस और नीचे यहाँ पर है टीम एलेक्जरोजी तो दोनों के दोनों टीम्स गाइस बिल्कुल तबला तो टीम है और पेनिस को भी यहाँ पर जरूर थोड़ा सा डोमिनेशन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर टीम एलेक्जर ने ऑलरेडी स्लैमिंग नंबर कर दिया है टीम फैल्कन स्पोर्ट्स के ऊपर अपर ग्राउंड से एडीएसएबल लिया जा रहा है शायद फैल्कन स्पोर्ट्स को पता नहीं किया एलेक्जरोजी ऊपर आ चुका है बिकॉज हाँ के तबे पर वो आए थे बट डेंजर के ऊपर एडीएस मिल चुका है और डेंजर के ऊपर बिल्कुल साउंड पर मिल रहा है कि प्लेयर उनके बिल्कुल सामने है बट वो यहां पर बिल्कुल भी अपने आप को रिवील आउट नहीं कर सके और ये गाइस बहुत ही गंदा डिसीजन था डेंजर का प्लेयर उनके बिल्कुल सामने यहां पर है ट्रबल्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए क्रूज के सामने डेंजर आते हुए नजर आएंगे डेंजर द्वारा एक बेहतरीन नेट का इस्तेमाल बट क्या नेट पर काम करेगा हाथ भी गलने वाला लेना पड़ेगा डैमेज पर अच्छा खासा पड़ने वाला है ओके डैमेज पड़ा और इसके साथ डेंजर आगे बढ़ेगा जरूर बेहतरीन टीम का इस्तेमाल किया जा रहा है टीम से कलेक्शन पर बढ़ेगा ओ माय गॉड बट क्रूज का यहां पर पीक एंड फायर डेंजर को खत्म करेगा अगर ऑटोमेटिक लेके आगे बढ़ते तो शायद यहां पर कुछ ज्यादा एडवांटेज मिलता पर नील द्वारा बेहतरीन प्री फायर अगर थोड़ी देर पहले करते तो शायद यहां पर क्रूज को खत्म किया जा सकता था बट यहां पर जल्द से जल्द प्लेयर्स को अंदर जाना पड़ेगा बट जो क्रूज का नॉक निकला था वो आरएक्सपी स्पोर्ट्स ने चोरी कर लिया बिल्कुल मुंह के सामने से डेंजर का बहुत ही ज्यादा दुखद मामला मेगाट्रॉन आगे जा चुका है जिस तरीके से आरएक्सपी स्पोर्ट्स पर किल चुरा रहा है दैट इज रियली पैथेटिक बट एलेक्जरोजी का न्यू वर्क ने मेगाट्रॉन को भी एकदम सुला दिया जल्द से जल्द नील को जोन के अंदर बढ़ना पड़ेगा देखते हैं यहां पर क्या वो टीममेट को रिवाइव कर पाएंगे और यहाँ पर उनको बहुत ही गंदा डैमेज पड़ा है ब्लीड आउट हो रहा है वो यहाँ पर जल्द से जल्द नोवा को पकड़ना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा स्मोक आउट किया जा रहा है यहाँ पर नोवा आगे आ चुका है रिवाइवल का सिलसिला हो चुका है चालू बट एलेक्जरोजी क्या ये सुनहरा मौका मिस आउट करेंगे ओके आयुष द्वारा बेहतरीन मौली का उपयोग आगे ऑलरेडी नोवा बढ़ते हुए नजर आएगा मेगाट्रॉन यहाँ पर अभी भी नॉक होकर बैठा हुआ है और यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा बन चुका है यहाँ पर देखते हैं क्या फाइट ले पाएंगे नोवा बहुत ही ज्यादा प्रेशर में नोवा द्वारा मेगाट्रॉन को मौत का घाट सुला दिया गया रिवर्ट दिया जा रहा है पर नोवा पोजीशन चेंज करेंगे बट सी लॉर्ड का प्री फायर यहां पर नोवा के ऊपर थर्ड पार्टी का शिकार हो रहा है टीम फैल्कन स्पोर्ट्स और यहां पर नील को भी डैमेज दिया जा रहा है अंदर आने का प्रयास बट उसको भी नास्तनाबूद करके यहां पर एलेक्जरोजी खत्म कर देगा टीम नानबाज फैल्कन स्पोर्ट्स को इन #9 बहुत ही प्यारा कोशिश था बट संभाल नहीं पाए और इसके साथ एक्सपर्ट स्पोर्ट्स भी अपर पेरिंग्स द्वारा मार खाते हुए नजर आएंगे देखते हैं क्या सीन में चल रहा है ऑब्वियसली दून में पड़े चल रहा है और जोन के साथ साथ मेरा डिवाइस भी बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा है पेओ के पिंस का यहां पर क्या इतना लैग कर रहा है वो यहां पर खड़ा हो चुका है द लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला फ्रॉम टीम एक्सपर्ट स्पोर्ट्स सरानिक सेंस भी अपर पिंस का को थर्ड पार्टी करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ मैं बिल्कुल भी यहां पर ग्राफिक्स लो नहीं करने वाला गोस्ट अकेले यहां पर फाइट डबल लिया बट वो दूसरा टीम के साथ सरानिक स्पोर्ट्स का बिल्कुल सामने है स्मोक आउट किया जा रहा है गोस्ट द्वारा बट प्रेशर बहुत ही ज्यादा बच चुका है प्री फायर किया गया बल्ले पर प्री फायर पर कैप्टन का कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट निकला और यहां पर गोस्ट डैमेज खाते हुए नजर आएगा क्या करेंगे यहां पर गोस्ट जोन के अंदर उनको जाना पड़ेगा यहां पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है सेकंड लास्ट जोन पे 8 टीम्स और
26 प्लेयर्स अभी तक जिंदा है सरानी सेट्स जोन के अंदर मारते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जी लॉर्ड भी यहाँ पर वन साइडेड डोमिनेशन पर कर रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर जी लॉर्ड, वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। लिफ्ट यहाँ पर एक के बाद एक टीम नर बाद एलिशा जी के ऊपर खत्म किया जा रहा है। टीम के लिए किल सिक्योर किया जा रहा है। गाड़ी को बस पॉप कर लिया गया, प्रीफर किया जा रहा है। रशर के ऊपर डैमेज देने पर सक्षम कोशिश, बट गाड़ी में प्लेयर्स पे नहीं। और जी लॉर्ड को यहाँ से जल्द निकालना पड़ेगा। जोन श्रिंक होने वाला है और अभी भी यहाँ पर 26 प्लेयर्स और 8 टीम बचा हुआ है। जोन के बाहर नूबक एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। आयुष एंड रशन अदर लास्ट में स्टैंडिंग राइट नाउ और वो भी जोन के अंदर पड़ने का प्रयास कर रहा है। बट एक कंपाउंड ही है जोन के अंदर जहां पर टीम नान पर सरानी सेंस पर आ चुके हैं ऑलरेडी। बट एक बड़ी सपोज द्वारा इसके साथ पेन स्काई को भी यहाँ पर नॉक फिनिश कर दिया गया। बट क्या यंग बॉय संभाल पाएंगे इस प्रेशर को? जोन का डैमेज खाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर घोष उनके बिल्कुल सामने यहाँ पर है। स्काई आगे बढ़ रहा है। बट यहाँ पर स्प्री फायर बिल्कुल सही दिशा में और स्मोक करने से इटर्निटी फायर बिल्कुल सही तरीके से और नॉक फिनिश कर दिया गया घोष द्वारा। फ्री फायर आ रहा है कातिल के ऊपर। कातिल इज द लास्ट स्टैंडिंग राइट नाउ फ्रॉम टीम पेरिस बॉस। फ्री फायर के साथ उनको खुद को भी बचाना पड़ेगा। बट कातिल बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ यहाँ पर कवर के पीछे आते हुए नजर आएंगे। उनके सामने एक्सपर्ट का दो प्लेयर है डीपीएस का बेहतरीन उपयोग। बट यहाँ पर घोष का थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से टीम पेरिस बॉस विल बी एलिमिनेटेड इन हैशटैग 7 लास्ट 6 सिम्स एंड 20 प्लेयर्स रिमेनिंग। 6 टीम के साथ यहाँ पर 20 प्लेयर बचा हुआ है। देखते हैं क्या किया जाएगा। इब्रा आगे बढ़ेंगे जरूर। यहाँ पर एलिजोर्ज के साथ यहाँ पर सरानी सेल्स का फाइनल लगने वाला है। आयुष भी लास्ट में स्टैंडिंग नाउ कैसे ना थोड़े यहाँ पर टीम सी लॉर्ड के साथ भी फाइनल लग चुका है। आरएक्स भी गॉट कोलाइडेड विद टीम 0 पॉइंट। मॉल ली का इस्तेमाल किया गया आयुष द्वारा। डैमेज जरूर पर लगेगा। कैप्टन को नॉक करने का प्रयास बिल्कुल नासराबूत करके यहाँ पर आयुष आगे बढ़ेंगे। स्पॉट किया जा चुका है बट डीबीएस का कनेक्शन बिल्कुल नहीं बनेगा और घर के अंदर से प्री फायर आएगा आदिल के तरफ से। Team not bad. Alexandra will be eliminated in #6. Ball team Sadonic sets. Team not bad. RX Beast was Gabi be 5 kill pe pahunch gaye with one casualty. Zone ke andar yahan par aane ka prayas kiya ja raha hai. MK गॉड नॉक अप राइट नाउ और ओरियन के साथ यहाँ पर जेरो अभी तक यहाँ जीवित है। जीलॉट को यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर दिया गया। जेरो स्मोक करके अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। बड़े बार अरिजीत द्वारा बेहतरीन नेट का इस्तेमाल बारीकी से और यहाँ पर वो फिनिश अप करने का भी प्रयास करेंगे। जोन के अंदर होने का एक एडवांटेज जो है उसको यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा टीम नन बर्न 0 पॉइंट द्वारा। एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रेंजी भी आगे बढ़ रहा है। दूर से यहाँ पर टीम ऑक्स भी यहाँ पर होल्ड ऑन करेंगे जरूर बट उनके साथ भी फाइनल हो चुका है टीम एक्सपर्ट स्पोर्ट्स का जो दूर से प्री फायर एवर कर रहा है। प्री फायर के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बट जोन के अंदर कैसे बढ़ेंगे उनके सामने पूरा का पूरा टीम सरानी सर से खड़ा हो चुका है। घोष द्वारा स्मोक पाथ जरूर बनाया जाएगा बट क्या वो कामयाब हो पाएंगे? गाड़ियां पर उनके पास में है। प्री फायर एवर करने के लिए तैयार सरानी सर और इसके साथ साथ जल्द से जल्द बढ़ना पड़ेगा वरना घोष खत्म हो जाएगा। लासी को बुलाया जा रहा है और इसके साथ एक सामने स्मोक किया जाएगा। राइट से रोटेशन बल दिया जाएगा जरूर बिल्कुल सही तरीके से बट इसके साथ साथ क्या वो बच पाएंगे? एम के इसके साथ खत्म हो चुका है। गाड़ी जहां पर घुमाया जा रहा है उनके बिल्कुल सामने इस्तेमाल किया गया। इहान द्वारा ऑक्सी लॉर्ड को नॉकआउट किया जा चुका है। इब्रा द्वारा ऑडियन को भी फिनिश अप कर दिया गया। फ्रेंजी ने थ्रोएबल द्वारा बाड़ी के से खत्म किया और इसके साथ साथ जेरो ने भी यहां पर एबड़ा को नॉकडाउन कर दिया। इसके साथ प्लेयर्स मल्टीपल टाइम्स खत्म हो रहा है बट क्या अभी तक कोई भी टीम खत्म हुआ नहीं है। चार के चारों टीम्स अभी तक आपके सामने जीवित है और प्रेशर पर बन रहा है। तो कम ऑन गाइस इफ यू आर वाचिंग और अगर अभी भी आपने अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट नहीं किया तो दबाक के अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करें। मेक देम द फैन फेवरेट टीम एंड यू आर वाचिंग द ग्रैंड फिनाले एंड दिस इज द लास्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट। और इसके साथ टीम आरएक्स पीपल बी एलिमिनेटेड बाय टीम सटानिक सेट्स इन #4 लास्ट 3 टीम्स एंड 9 प्लेयर्स आर रिमेनिंग। राज यू नो बाड़ी किसे कदम करेंगे एंड इसके साथ एक और पूरा का पूरा टीम को मौत का घाट सुला दिया जाएगा। टीम ऑक्सी विल बी एलिमिनेटेड इन #3 लास्ट 2 टीम्स आर रिमेनिंग इज अ 3v4 फाइट। टीम नॉन बॉड 0 पॉइंट वर्सेस टीम एसटीसी। एसटीसी का यहां पर 4 किल हो चुका है। 0 पॉइंट का यहां पर कितना किल हुआ देखना पड़ेगा। यहां पर इहान कांपते हुए नजर आएगा बट यहां पर 0 पॉइंट का भी नॉक किल हो चुका है। जोन के अंदर यहाँ पर जरूर बनाने वाला है। यहाँ पर अरिजीत गाड़ी फाड़ के अपने लिए कवर बनाने वाला है। आगे बढ़ा जाएगा इसके साथ साथ जोन के अंदर आ चुका है यहाँ पर अरिजीत। थ्रोबल्स के इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर एक और स्मोक का इस्तेमाल किया गया बट क्या वो जोन के अंदर जा पाएंगे? टीम सरानिक से जोन के बिल्कुल अंदर है। इब्रा को मैं जरूर देखना चाहूंगा राइट रोटेशन लेने का नहीं बल्कि अब राइट का जो रिज है उसको इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है और प्लेयर्स पर बाड़ी की से स्मोक करके यहाँ पर अपना कवर बना के कवर के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यहाँ पर इब्रा द्वारा उनको आने दिया जाएगा? क्लोज रेंज गॉड माना जाता है यहाँ पर इब्रा को बट क्या
इस बार इब्रा अपना स्किल्स का प्रदर्शन कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पर उनका चारों किल्स है और कंट्रोल प्री फायर बार किया जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट रोटेशन देगा, अर्जित यहाँ पर लेफ्ट से रोटेशन दे रहा है, दूर से प्री फायर किया जा रहा है राज द्वारा। तीनों प्लेयर्स बिल्कुल त्रिशूल की तरह से उनके अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स ने अभी तक अपना पोजिशन रिवील आउट नहीं किया है बट यहाँ पर 2v1 स्प्लिट हो चुका है टीम नान बस 0 पॉइंट। गाड़ी उनके पास होता है बट आदिल ने फाइनली यहाँ पर अर्जित को स्पॉट ऑफ किया एंड फाइनली दे जस्ट गॉट दैट नॉक राइट नाउ। राज के ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला है बट क्या वो आ पाएगा? प्लेयर जरूर खत्म करने के लिए आगे आएंगे। प्री फायर का आवश्यक